हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज हम एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है डेथ बेल, जो 2008 में रिलीज हुई थी और इसके आईएमडीबी रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10 व्हिच इज नाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो हमारी मूवी की मेन लीड रोल है, जिसका नाम एना जीवन जीवन करके किसी को बुला रही होती है और वो एक ऐसी प्लेस पे होती है जैसे मानो कोई ओपन एरिया में क्लास शिफ्ट कर दियो। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एना को एक क्रीपी सी स्माइल दे रही होती। फिर एना आगे बढ़ती है, वो एक ग्लास के ऊपर से मिट्टी हटा रही होती, तभी उस पर एक गोस्ट अटैक कर देती है। एना वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बहुत सारे गोस्ट उस पर अटैक कर देते हैं। फिर वो जीवन के गोस्ट को भी देख लेती है और सीन वहीं कट हो जाता है। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एना को जो सपना देख रही होती है। वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही होती है। फिर वो रेडी होके अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल चली जाती है, उनके एग्जाम होने वाले होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एना उसी के क्लासमेट्स के साथ थोड़ी बहस हो जाती है क्योंकि एना की मम्मी नहीं होती और वो सब उसे चिढ़ा रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्यांग हुन को, जो हमारे मूवी का सेकेंड लीड रोल है। वो उस दिन लेट स्कूल पहुंचता है तो उस स्कूल की दीवार कूदकर अंदर आना होता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और सारे बच्चे एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम क्यांगन को देखते हैं जिसे एग्जाम में कुछ भी नहीं आता और वो चीटिंग कर रहा होता है, जिसे उसकी टीचर मिस चोई पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं ना कि क्लास में एक लड़के को जिसका नाम होंगजू होता है, वो बहुत डरा हुआ दिखता है। फिर उसे उसके पेपर में एक बहुत डरावनी शक्ल दिखती है किसी की और उसे देखते ही वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। तभी उसके सर मिस्टर किम वहां आ जाते हैं और वो होंगजू को देखते हैं और फिर उनकी नज़र उसके हाथों में पड़ती है जिस पर बहुत सारी चोटों के निशान होते हैं। फिर मिस्टर किम उसे पूछते हैं कि ये तुम्हें चोटें कैसे लगी। तब होंगजू बोलता है कि ये मुझे नहीं पता, ये चोटें मुझे कैसे लगी मुझे नहीं पता और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो लड़की कर रही है, वो मुझे बहुत डरा रही है। और फिर होंगजू बहुत अजीब सी स्माइल करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और फिर एक गाना बजना शुरू हो जाता है जिसमें हमें पता पड़ता है कि उस गाने में स्कूल की इंसल्ट करी जा रही है। उस गाने में होता है कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई एग्जाम्स बस यही होता है और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं होती वगैरह वगैरह। और इन सब के पीछे हमारे हीरो का हाथ होता है, मतलब क्यांग हुन का। और ये चीज़ हमारे टीचर मिस्टर पार्क को पता चल जाती है और फिर वो क्यांग हुन को बहुत डांटते हैं और तभी सर किम आकर उसे बचा लेते हैं कि मैं इसे समझा दूंगा बोलकर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि प्रिंसिपल और टीचर्स की एक मीटिंग हो रही होती है जिसमें प्रिंसिपल सबको बोल रहे होते हैं कि नेक्स्ट वीक दूसरे स्कूलों के बच्चे भी हमारे स्कूल में आएंगे जिनके साथ हमारे स्कूल के बच्चों का एक कॉम्पिटिशन होगा, तो आपके क्लास के टॉपर्स को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं एना और उसकी बेस्ट फ्रेंड योंग म्यूंग को, जो उनकी गर्ल्स हॉस्टल की छत पे अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं। योंग म्यून उसे अपने सपने के बारे में बता रही होती है कि तभी कैंग ह्योन आ जाता है और वो उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। और हमें वहाँ पता चलता है कि कैंग ह्योन को एना पे क्रश होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम स्क्रीन पे 23 मई डे बिफोर स्पेशल क्लास देखते हैं। इसका मतलब 24 मई से उन सब की स्पेशल क्लास शुरू होने वाली होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे के रिजल्ट निकल जाते हैं और योंगजू को स्क्रीन पे जीवन का नाम दिखाई देता है और फिर उसे अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है और उसे एना की शक्ल में एक घोस्ट दिखाई देता है और फिर वो डर के एना पे हमला कर देता है। बट दूसरे स्टूडेंट एना को बचा लेते हैं। फिर ये बात टीचर्स तक पहुंच जाती है और फिर होंगजू के इस पागलपन को देख कर उसे हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है और ये बात मिस चोई योंगजू की मदर को भी इन्फॉर्म कर देती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और एना और म्योंग छुपके से पार्टी में पहुंच जाती है और वो उस पार्टी में बहुत इंजॉय करती है योंगिन के साथ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सिक्योरिटी गार्ड और होंगजू को दिखाया जाता है जो कि एक अंधेरी सी जगह पर बैठा होता है। तब गार्ड उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो तब योंगजू को फिर से वही भूत दिखाई देता है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर हम स्क्रीन पर 24 में स्टार्ट ऑफ स्पेशल डे दिखाया जाता है जिसका आज से सारे बच्चों की स्पेशल क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जॉन था। वो क्लासरूम की तरफ जा रहा होता है, उसे वॉशरूम से कुछ अजीब अजीब से आवाज़ें आ रही होती है तो वहाँ जाता है। जब वो वॉशरूम में बाहर पहुँचता है तो एकदम से उसे कोई वॉशरूम के अंदर से खींच लेता है। फिर हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि बच्चों से कह रहे होते हैं
चाहिए कि तुम सबको बहुत प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि एलिजिबल बच्चे ही यहाँ बैठ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट मिसिंग थी जिसका नाम हैयोंग था। सब बच्चे यही बात करने लगते हैं कि वो आज के दिन क्लास कैसे मिस कर सकती है। फिर हम देखते हैं मिस चोई को जो बच्चों को अटेंड कर रही होती है। फिर उनकी क्लास स्टार्ट होती है जो इंग्लिश में थी। फिर मिस चोई एक टीवी ऑन करती है कि तभी उसमें से बहुत अजीब सी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लग शुरू हो जाती है। फिर स्क्रीन पे सारे बच्चों को हैयोंग दिखाई देती है जो आज क्लास में मिसिंग थी। वो एक क्लास के बॉक्स में बंद होती है और फिर वो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है और सारे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। मिस चोई देखती है कि उनके मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। फिर उन्हें एकदम से एक आवाज़ आती है और वो उन्हें बोलती है कि अब तुम लोगों का असली एग्ज़ाम शुरू होगा। मैं सबसे सवाल करूँगा और तुम सबको उसके जवाब देने होंगे, वो भी दिए हुए वक्त पे। जो जवाब नहीं दे पाए तो तुम सब एक एक करके मारा जाओगे। शुरुआत हैयोंग से होगी। उसने भी स्कूल से भागने की कोशिश करी, वो मारा जाएगा। पर टीचर पाक को लगता है कि ये एक प्रैंक है जो कि कैंगयोन ने किया है। फिर वो उसे मारने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही शैतान बच्चा था। फिर कैंगयोन कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टीचर पाक उसे पे भरोसा नहीं करते हैं और उसे वापस मारने लगते हैं। तभी टीचर किम और एना आके कैंगयोन को टीचर पाक से बचा लेते हैं और एना कैंगयोन की साइड लेती है। तो फिर दूसरे बच्चे एना और कैंगयोन दोनों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये इन दोनों का ही प्रैंक है। इसे कैंगयोन गुस्सा हो जाता है पर एना उसे रोक लेती है। फिर हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हैयोंग के ग्लास में पानी भर जाता है और वो वहीं मारी जाती है। और ये सब देखकर सारे बच्चे रोने लगते हैं कि तभी मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मैं स्कूल के पास वाले स्टोर से फ़ोन करके पुलिस को बुला लेता हूँ। पर टीचर चोई उन्हें वार्न करती है कि स्क्रीन पे जो आवाज़ ने बोला था कि जो भी स्कूल से बाहर जाएगा वो मारा जाएगा, पर मिस्टर पार्क नहीं मानते और वो बाहर चले जाते हैं। मिस्टर पार्क के जाते ही दूसरे बच्चे भी बाहर जाने की ज़िद करते हैं, पर मिस चोई और मिस्टर किम उन्हें वहीं वेट करने के लिए बोलते हैं, पर वो नहीं सुनते और वो बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे पहुँचते हैं तो उन्हें मिस्टर पार्क को किसी ने अधमरा कर दिया होता है और मिस्टर पार्क मिस्टर किम के हाथों में ही अपना दम तोड़ देते हैं। इसको देखकर सारे बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर उन सबको फिर से वो आवाज़ आती है जिसमें उन्हें नया टास्क मिलता है कि उन्हें ऑडिटोरियम जाना है जहां लालच और गुनाह से रिलेटेड चाइनीज वर्ड ढूंढने हैं। फिर वो सब ऑडिटोरियम पहुँचते हैं। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जो वॉशरूम से गायब हुआ था। उसे बहुत तकलीफ दी जाती है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है, इसलिए सबको जल्दी से जल्दी जवाब ढूंढना होगा वरना जॉन मारा जाएगा। फिर एना और मिस्टर किम को एक क्लू मिलता है और वो सारे बच्चों के साथ मिलकर जवाब ढूंढने लगते हैं। उन सबको जवाब कंप्लीट कर ही लिया होता है लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है और जॉन की डेड बॉडी ऊपर से डायरेक्ट स्टेज के ऊपर सबके सामने गिर जाती है। और फिर जॉन को देखकर सब की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और कुछ बच्चे तो उल्टियां करने लगते हैं। फिर उन सबको पता चलता है कि उनमें से एक और स्टूडेंट गायब हो चुका है जिसका नाम जेवुक है। और ये सब देख कर म्योंग बहुत डर जाती है। एना उसे संभालती है। फिर एना वहाँ से रिकॉर्ड रूम की तरफ भागती है और उसके पीछे कैंगयोन भी चला जाता है। फिर एना वहाँ के एक कंप्यूटर को स्टार्ट करके उनकी रिजल्ट लिस्ट को देखती है और घबरा जाती है और कैंगयोन को बोलती है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट पे हैयोंग थी जो कि मारी गई, सेकेंड पे था जॉन जो भी मारा गया, और थर्ड पे जेवुक है और वो भी गायब हो चुका है, फोर्थ पे म्योंग और फिफ्थ पे एना खुद होती है। एना को घबराते हुए देख कर कैंगयोन उसे पीछे से हक कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां दूसरे बच्चे मौत से बचने के लिए अलग ही प्लान बना रहे होते हैं कि वो गर्ल्स हॉस्टल में जाके किसी कमरे में छुप जाएंगे। फिर वो सब वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं और म्योंग भी उनके ही साथ चली जाती है। फिर वो सब बच्चे म्योंग के ही रूम में छुप जाते हैं और ह्योंगजू भी उसी बिल्डिंग में घूम रहा होता है और वो दूसरे बच्चों को देख कर अजीब से हंस रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जीवन का गोस्ट उन बच्चों को भी परेशान कर रही है।
फिर सीन ऑडिटोरियम में शिफ्ट होता है जहाँ एना और कैंग्यून टीचर किम को बताते हैं कि सारे मर्डर लिस्ट के हिसाब से हो रहे होते हैं। फिर एना पूछती है कि बाकी बच्चे कहाँ गए, तब मिस्टर किम बताते हैं कि वो सब वॉशरूम गए हैं। फिर वो सब ये मर्डर कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ये पता करने के लिए वो दो टीम में बट जाते हैं जिसमें मिस चोई, एना, कैंग्यून और कुछ बच्चे होते हैं और दूसरी टीम में मिस्टर किम और बाकी के बच्चे। फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो लैंडलाइन चेक कर रहा होता है जिसके तार किसने काट दिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कैंग्यून को जो एना को पूरी तरह प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी मिस चोई को एक रूम से आवाज़ आती है तो वो वहाँ डर के एक डंडा लेकर उसके पास जाती है। तभी वो गेट खुल जाता है और मिस चोई डर कर उस पर ज़ोर से लकड़ी मार देती है और वो कोई नहीं सिक्योरिटी गार्ड को ही चोट पहुंचा देती है। मिस चोई गार्ड से बहुत माफ़ी मांगती है पर गार्ड बोलता है कि मेरी चिंता छोड़ो, तुम बच्चों की चिंता करो। फिर मिस चोई और दूसरे बच्चों को गार्ड ये भी बताता है कि टेलीफोन्स की सारी वायर्स काटी हुई है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि म्योंग को जो बाकी बच्चों के साथ रूम में बैठी हुई होती है और फिर एकदम से उनके गेट को कोई ज़ोर ज़ोर से पीटना चालू कर देता है और उस गेट में छेद हो जाता है। फिर उसमें से एक बच्चा उस गेट के पास जाता है तो कोई उसका सर पकड़ कर गेट से बाहर खींच देता है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्टल की लाइट्स चालू बंद होना शुरू हो जाती है जिसको देखकर बाकी के बच्चे मिस चोई, एना, कैंग्यून भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर हम वहां देख सकते हैं कि जीवन की आत्मा सबको डरा रही होती है और फिर सब डर के मारे दूसरे रूम्स में छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं टीचर किम को जो बाकी बच्चों के साथ दूसरा टास्क सॉल्व कर रहे होते हैं जेवुक को बचाने के लिए। सीन शिफ्ट होके वापस हॉस्टल में आ जाता है जहाँ लाइट्स ठीक हो जाती है और वो बच्चा जिसका सर गेट से किसी ने बाहर निकाला होता है वो मर जाता है। एना म्योंग को सेव देख के बहुत खुश होती है बट फिर उनको पता चलता है कि एक और स्टूडेंट जिसका नाम सुजीन है वो मिसिंग है। फिर हम फिर से सर किम को दिखाया जाता है जो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पासवर्ड ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें फाइनली आंसर मिल जाता है जो कि होता है वॉर्म स्प्रिंग डे रिमेंबर द ऑडिटोरियम। और फिर जब ये आंसर पासवर्ड में डालते हैं तो उन्हें जेवुक की डेड बॉडी और किसी का डरावना सा फेस स्क्रीन पर दिखता है। ये सब देखकर सब डर जाते हैं और मिस्टर किम और बाकी बच्चे क्लास से बाहर भाग जाते हैं। फिर दोनों टीम आपस में मिल जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम सब बच्चों को और मिस चोई और मिस्टर किम को कैंटीन एरिया में देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं कि तभी कोई बच्चा पासवर्ड को बोलता है और फिर हम एना को देखते हैं जो कि फ्लैशबैक में चली गई होती है। और एना फ्लैशबैक में जाने से पहले बोलती है कि जीवन का डेथ भी स्प्रिंग डे पे ही हुई थी। और फिर हम फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां हमें जीवन दिखती है जो कि क्लास की टॉपर होती है और वो और एना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। जीवन, एना और म्योंग एक ही रूम शेयर कर रहे होते हैं हॉस्टल का। जीवन रिच फैमिली से नहीं होती इसीलिए वो स्कॉलरशिप जीतना चाहती थी बट रिजल्ट के दिन उसका नाम 6 नंबर पे आता है। ये देखकर वो बहुत रोती है क्योंकि अब वो स्कॉलरशिप नहीं जीत सकती। एना उसे संभालती भी है लेकिन नेक्स्ट डे जीवन सुसाइड कर लेती है। फिर सीन आगे प्रेजेंट में आता है जिसमें हम देखते हैं कि एक बच्चा डर कर बोलता है कि ये जीवन का गोस्ट तो नहीं जो हमें मारना चाहता है। बट इस बात पर सर किम बहुत गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि गोस्ट जैसी चीज़ कुछ नहीं होती। तभी वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। फिर हम देखते हैं सुजीन को जिसे कोई बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। सुजीन की बॉडी पर कुछ लिख रहा होता है कट्स मार कर। फिर वो सुजीन को एक वॉशिंग मशीन में डाल देता है। फिर हम सर किम को देखते हैं जो बहुत गुस्से में उस गोस्ट को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम मिस चोई और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत डरे हुए होते हैं और वो उस कैंटीन से बाहर नहीं जाना चाहते। तो मिस चोई, एना और कैंग्यून ही थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर सर किम को देखते हैं जो एक सीढ़ियों पर खड़े होते हैं और उन्हें कोई उनके आसपास महसूस होता है और कोई एकदम से उन पर हमला कर देता है और सर किम डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए उन्हें मिस चोई, एना और कैंग्यून भी मिल जाते हैं जिनसे सर किम को थोड़ा आराम मिलता है। फिर सबको कुछ आवाज़ आती है तो वो सब एक कमरे में जाते हैं। वहाँ उन्हें वॉशिंग मशीन में सुजीन की लाश मिलती है।
फिर वो देखते ही देखते एना भी वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन एना एक रूम में होती है जहाँ उसे एक स्टूडेंट दिखाई देती है। जैसे ही वो स्टूडेंट अपना सर घुमाती है तो वो जीवो निकलती है। ये देखकर एना डर के मारे जोर से चिल्लाती है तो एना की आवाज़ सुनकर मिस्टर किम, मिस चोई और कैंग्योन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो एना बोलती है कि कुछ नहीं, ये बस मुझे डर के मारे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। फिर हमें म्योंग को दिखाया जाता है जिसे कोई पकड़ लेता है। फिर वो चारों बैठकर सोच रहे होते हैं कि जो कोई भी अनाउंसमेंट कर रहा है वो पीए रूम से ही कर रहा होगा। फिर सर किम क्योंगहुन को पूछते हैं कि तुमने उस दिन वो गाना कैसे बजाया क्योंकि तुम तो क्लास में थे। तो क्योंगहुन बताता है कि मैंने तो टाइम सेट कर दिया था जिससे कि एग्ज़ाम ख़त्म होते ही वो गाना बज गया। उसके बाद वो चारों पीए रूम जाते हैं। वहाँ उन्हें एक दूसरा रास्ता मिलता है। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें होंगजू दिखता है जो एना को देख कर उस पर किसी नुकीली चीज से हमला कर देता है। लेकिन क्योंगहुन बीच में आके एना को बचा लेता है और खुद वहीं मारा जाता है। ये सब देखकर एना बहुत रोती है क्योंकि जिससे वो पसंद करती थी वो भी मारा गया। सर किम गुस्से में आके होंगजू को भी मार देते हैं। फिर उन्हें म्योंग के चीखने की आवाज आती है तो वो तीनों उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। पर वहां पर उनका एक नया टास्क इंतजार कर रहा होता है जिसे सॉल्व करके वो म्योंग तक पहुंच सकते हैं और वो उस टास्क में सफल होते हैं। लेकिन थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि उधर म्योंग जो उल्टी लटकी हुई थी उसकी रस्सी कटने ही वाली होती है। लेकिन एना और मिस चोई और मिस्टर किम वहाँ सही टाइम पर पहुँच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। मिस्टर किम म्योंग की रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खोल पाते। तभी कोई औरत म्योंग को ऊपर खींच लेती है और वो म्योंग की रस्सी काट देती है जिससे म्योंग वहीं ज़मीन पर गिरकर मर जाती है। फिर मिस्टर किम उस औरत के पीछे भागते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वो औरत सर किम पे हमला कर देती है। उन दोनों के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है लेकिन मिस्टर किम उस औरत को मार देते हैं और हमें वहाँ पता चलता है कि वो औरत कोई नहीं जीवन की माँ ही होती है जो उसकी मौत का बदला ले रही होती है। फिर सीन वहीं कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे बच्चे और मरे हुए बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि मरे हुए बच्चों के फ्यूनरल में आए हुए होते हैं। फ्यूनरल ऑडिटोरियम में हो रहा होता है पर एना को वहाँ बहुत अजीब लग रहा होता है तो वो छत पे चली जाती है और वहाँ उसे कोई किडनैप कर लेता है और एक चेयर से बांध देता है। फिर ऑडिटोरियम में एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें वो बोलता है कि मैं जीवन का फादर हूँ। फिर हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम में गैस लीक हो रही होती है और जीवन के फादर के पास लाइटर होता है। फिर जीवन के फादर ऑडिटोरियम में एक वीडियो चलाते हैं जिसमें कोई जीवन का गला दबा रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि जीवन ने सुसाइड नहीं, उसका किसी ने मर्डर किया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जीवन एक रूम की तरफ देख रही होती है जहां कुछ पेरेंट्स एक टीचर को रिश्वत दे रहे होते हैं अपने बच्चों को हाई रैंक्स दिलाने के लिए और वो टीचर और कोई नहीं मिस्टर किम ही होते हैं और ये सब जीवन देख लेती है। फिर वो सर किम के पास जाती है और बोलती है कि सर आप जिनसे आज रिश्वत ले रहे हैं उनके पास सब कुछ है, वो अमीर है, लेकिन मेरे लिए ये स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है और आपको पता है कि मैं अमीर नहीं हूँ। लेकिन मिस्टर किम उसकी बात नहीं सुनते तो फिर जीवन उनको धमकी देती है कि वो प्रिंसिपल या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से उनकी कंप्लेन कर देगी और तभी सर किम डर के और गुस्से में जीवन का गला दबाकर उसे मार देते हैं और उन्हें ये करते हुए होंगजू देख लेता है। इसीलिए उसे हर जगह जीवन का गोस्ट दिखाई देता है। और फिर हम प्रेजेंस में आते हैं जहाँ सब लोग सर किम को घूर कर देख रहे होते हैं। सर किम गुस्से में एक कुल्हाड़ी निकाल कर पेरेंट्स को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये सब तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, लेकिन बाकी बच्चे उनके शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आके सर किम पर हमला कर देता है और सर किम की मौत हो जाती है। वहाँ पता चलता है कि जीवन के फादर और कोई नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड ही होता है और इन सब मर्डर और प्लानिंग के पीछे भी जीवन के फादर का ही हाथ होता है और इसमें उनकी वाइफ और जीवन की मदर उनकी हेल्प कर रही होती है। फिर हम मिस चोई को देखते हैं जो पीए रूम में जाके एना को बचा लेती है। फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जीवन जो उसकी फैमिली के साथ बहुत खुश दिखाया जाता है, पर जीवन के मर्डर के बाद उसके फादर उसी के स्कूल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन कर लेते हैं और 2 साल तक ये पूरी प्लानिंग करते हैं ताकि
ताकि वो अपनी बेटी की मौत का बदला ले सके। और मूवी के लास्ट में हमें एना को दिखाया जाता है और मूवी वहीं एंड हो जाती है। गाइज, ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो मेरी एक्सप्लेनेशन तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ गलत लगा हो कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह गई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू गाइज, लव यू।